पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में पुष्प क्रांति योजना उद्यान विभाग ने चलाई हुई है, जिसके तहत पुष्प उत्पादक अच्छे किस्म के फूल के बीज खरीदकर इसे खेती से जोड़ रहे हैं। सिरमौर जिला में भी लगभग 200 बागवान पुष्प क्रांति से जुड़े हुए हैं तथा जिला में विभिन्न प्रकार के फूल जैसे कार्नवेशन, गुलाब, गेंदा आदि की खेती की जा रही है। पिछले वर्ष कोरोना के चलते बागवानों को काफी नुकसान हुआ था, जिसके लिए भी सरकार ने किसानों को लगभग 60 लाख की मदद की राशि वितरित की थी। इसके अतिरिक्त पुष्प क्रांति योजना के तहत 85% अनुदान पर पुष्प उत्पादन के लिए दिया जा रहा है। उपनिदेशक उद्यान विभाग सिरमौर डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि जिला में काफी बागवान पुष्प उत्पादन में जुटे हुए हैं और सरकार भी MITH एवं पुष्प क्रांति योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि किसान बागवानों को पुष्प क्रांति के तहत 85% अनुदान पर पुष्प बीज एवं अन्य संबंधित सामग्री दी जाती है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में नुकसान को देखते हुए सरकार ने 60,50,000 की राशि 34 बागवानों को प्रदान की है। सिरमौर जिला के अंतर्गत फूलों की खेती भी काफ़ी मात्रा में करीब 200 फार्मर इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। विभाग द्वारा इन किसानों को MITH के अंतर्गत और पुष्प क्रांति के अंतर्गत इनको सब्सिडी असिस्टेंस भी दी जाती है, जो 85% के आसपास मिलती है। इस व्यवसाय से में लगभग 20 हेक्टेयर के अंतर्गत एरिया जिला सिरमौर में विभिन्न फूलों के अंतर्गत जैसे कार्नेशन, जरबरा और रोज़ गुलाब के अंतर्गत लाया गया है। के अंतर्गत इस वर्ष वित्तीय वर्ष में 2020-21 के दौरान लगभग 21 लोगों को 1,85,00,000 की सब्सिडी असिस्टेंस सहायता राशि प्रदान की गई है। इस महामारी के दौरान भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए सरकार द्वारा जो सहायता राशि थी, जितना नुकसान हुआ था उसको भी हम सिरमौर जिला के 34 किसान बागवानों को 60,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनको काफ़ी राहत महसूस हुई है।